आसिम को कास्ट करना हो सकता है खतरा, क्या आमिर की जगह होते सलमान खान? आमिर खान के इस समय अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, ये बात तो साफ जाहिर हो रही है। जी हाँ, इनकी मूवी लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के साथ साथ ही आमिर के लिए मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और अब इसके बाद उनकी इमेज पे भी बात आ गई है। बता दें कि मूवी को कई जगहों से बॉयकॉट करने की डिमांड की गई थी, और बेबो के स्टेटमेंट के बाद तो मुसीबतें इतनी बढ़ गई कि आमिर खान को फैन से माफी मांगना तक पड़ गया। और अब आमिर के पास इस सिचुएशन और उनके करियर में आए तूफान को शांत करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो ये है कि वो एक सुपरहिट मूवी डिलीवर करे दर्शकों के सामने। बॉलीवुड में इस टैक्टिक ने कई करियर बचाए हैं, जैसे कि रणबीर कपूर, उनकी बाकी मूवीज जब फ्लॉप होने लगी थी तब उनका सहारा संजू बनी थी, और इस समय आमिर को अपने सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है गजनी का सीक्वल, क्योंकि इस मूवी का फैन बेस ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जहां तक बात रही इस मूवी के सीक्वल की, तो इसकी कास्टिंग में भी इस बार काफी बारीकी से काम किया जाएगा, और साथ ही साथ फैंस के लिए इस बार एक बुरी खबर ला सकती है गजनी 2, जो कि ये है कि मूवी की मेन लीड आसिम को दिखाना पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि मेकर्स की माने तो आसिम के बॉलीवुड में फेलियर के बाद से इन्हें इस मूवी में कास्ट करना काफी रिस्की हो सकता है। आसिम के काफी ट्राई करने के बाद भी बॉलीवुड में अपना मार्क नहीं बना पाई, और उन्हें अब फैंस बॉलीवुड में एक फ्लॉप एक्ट्रेस की तरह ही ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक तरह से देखें तो आसिम के लिए अपना एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने के लिए ये एक अच्छा मौका भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या मेकर्स चाहते हैं उन्हें ये चांस देना या नहीं। अब जब मूवी के सीक्वल की बात हो ही रही है, तो आपको इस मूवी के एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट से हम वाकिफ करा देते हैं। जी हाँ, तो मूवी गजनी में हमें पहले आमिर की जगह सलमान खान देखने को मिलने वाले थे, क्योंकि मेकर्स ने इनकी राधे के परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्हें कास्ट करने का डिसीजन ले लिया था, पर फिर सलमान ने खुद ही इस मूवी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद आमिर को अप्रोच करके उन्हें कास्ट किया गया। तो क्या आपको लगता है कि सलमान का इस मूवी की मेन लीड में होना एक सही डिसीजन प्रूव होता? आप अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।